हाय, दिस इज मनीष शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टार्ट करते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस फॉर टुमारोज इंट्राडे ट्रेडिंग सेशन एंड विल डिस्कस द स्टॉक्स एज वेल। सो निफ्टी आपको दिख रहा होगा मेरी स्क्रीन पे और मैंने एक ऑरेंज हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया हुआ है। लास्ट तीन चार दिन से काफी कंसोलिडेट कर रहा है ये रेंज में, इसी रेंज में है। और ये जो कैंडल है इसका लो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, साइकोलॉजिकल लेवल है 9040 के नीचे अगर निफ्टी जाता है तो 8900 ये पॉसिबल टारगेट्स हो सकते हैं। सो इट्स अ कंडीशनल सेल बिलो 9040 और व्यू अभी भी बेरिश ही है। बैंक निफ्टी अगर आप देखते हो एक डाउनवर्ड चैनल में ट्रेड कर रहा है, मुझे लगता है यहाँ से 17500 17200 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। सो बैंक निफ्टी भी शॉर्ट रहेगा, 18200 अगर टूटता है तो एक बड़ा फॉल में देखने को मिल सकता है 500 to 1000 पॉइंट का। सो 18200 ये क्रूशियल लेवल होगा, इसके नीचे अगर बैंक निफ्टी गया तो एक बड़ा फॉल में देखने को मिल सकता है। अब स्टॉक डिस्कस करते हैं। फर्स्ट स्टॉक इज MGL। MGL अगर आप देखें डेली चार्ट है ये, यहाँ से एक फॉल आया, रिट्रेसमेंट हुआ और वापस ये फॉल कंटिन्यू कर रहा है। अब मुझे लगता है वापस ये 850 तक के लेवल्स वापस रिटेस्ट कर सकता है और इसने एक 900 का जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट था वो भी तोड़ दिया, उसके नीचे ही क्लोज हुआ है। तो मुझे लगता है यहाँ से MGL काफी अच्छा शॉर्ट रह सकता है 850-840 तक के पोजिशनल टारगेट के लिए। कौन से लेवल पे शॉर्ट करना है मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। MGL काफी अच्छा शॉर्ट रेट रहेगा कल के इंट्राडे ट्रेडिंग सेशन के लिए। नेक्स्ट स्टॉक होगा जी एंटरटेनमेंट। जी एंटरटेनमेंट अगर आप देखें ये इवनिंग स्टार पैटर्न बनाया था इसने और इसी के आसपास वापस इसने रीटेस्ट किया है, ये 173 का हाई इसने क्रॉस नहीं किया है और वापस एक इन्वर्टेड हैमर हमें देखने को मिला है। तो मुझे लगता है यहाँ से काफी अच्छा शॉर्ट रह सकता है जी एंटरटेनमेंट 150 तक के टारगेट्स के लिए, 150-155 तक के टारगेट्स के लिए। जी एंटरटेनमेंट भी काफी अच्छा शॉर्ट कैंडिडेट रहेगा कल के इंट्राडे ट्रेडिंग सेशन। नेक्स्ट स्टॉक होगा जस्टडायल। जस्टडायल काफी वीक स्टॉक है और लगातार हमें सप्लाई देखने को मिल रही है, यहाँ से 420 से वापस ये 380 तक रिट्रेसमेंट हुआ एंड अगेन फॉल। अब मुझे लगता है यहाँ से ये ट्रेंड लाइन एक छोटा सा ड्रॉ होता है, सो यहाँ से 350 के नीचे एक बड़ा फॉल हमें देखने को मिल सकता है। तो 350 अगर टूटता है तो 320-330 तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। सो जस्टडायल भी काफी अच्छा शॉर्ट कैंडिडेट रहेगा कल के इंट्राडे ट्रेडिंग सेशन के लिए। लास्ट स्टॉक होगा रिलायंस। रिलायंस अगर आप देखें लास्ट 4-5 दिनों से काफी बड़ा फॉल हमें देखने को मिला था, बट अब एक हैमर फॉर्मेशन हमें देखने को मिला है यहाँ पे और ये एक सपोर्ट लेवल है, यहाँ से कंसोलिडेट करके स्टॉक ऊपर गया था। सो यहीं पे इसने सपोर्ट लिया हुआ है 1420 के आसपास। अब मुझे लगता है एक बार वापस ये 1500-1520 तक के लेवल्स वापस रिटेस्ट कर सकता है। सो रिलायंस एक काफी अच्छा बाय रहेगा, कौन से लेवल पे बाय करना मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा। मैंने एक कंसेप्ट स्टार्ट किया है 1 live trade per day, टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लो क्योंकि उसमें आपको एक लाइव 1 trade per day आपको मिलेगा, एक दिन में 1 trade आपको लाइव मिलेगा जो कि मैं लाइव मार्केट में दूंगा इंट्राडे। सो ये मैंने एक कंसेप्ट चालू किया है 1 trade per day, सो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। आज के वीडियो में इतना ही, थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।